नमस्कार आदाब, मैं शन्नू आजमी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। हिंदुस्तान को आज एक बड़ी सफलता अर्जित हुई है। 14 जुलाई 2023 को हरिकोटा से जो चंद्रयान चला था, लगभग 40 दिन बाद भारतीय समय अनुसार शाम लगभग 6 बजे, भी कुछ देर पहले, चंद्रमा के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर उसकी सफल लैंडिंग हुई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त मऊ जनपद के घोसी में। ये घोसी तहसील मुख्यालय के सामने हैं और हमारे साथ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार जन भी हैं। इस पर चर्चा करेंगे, कैसा ये परीक्षण रहा, क्या इसका असर जाएगा देश दुनिया की राजनीति के साथ साथ सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, शायद जब हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब से इनका पत्रकारिता का एक अनुभव रहा, और इंटर कॉलेज में आप लेक्चरर भी थे, सेवानिवृत्त हुए, और लंबा अरसा आपने पत्रकारिता में बिताया और विभिन्न पहलुओं पर आपने किया है। आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, हम इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये घोसी लाइव में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। ये जो चंद्रयान की लैंडिंग हो गई सफल लगभग 40 दिन बाद, इसका क्या असर रहेगा भारत के सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से? इस चंद्रयान 3 के लैंडिंग से आज भारत उन चुने देशों में, 5 देशों में पहुंच गया जिनके चंद्रयान का वहां लैंडिंग हुआ था। लेकिन ये भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और भारत के आन बान शान को पूरे विश्व में एक अस्थाई पहचान बनाया है। और आज हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। यह दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस लैंडिंग से भारत ने विश्व को अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कुशल व्यवस्था से परिचित करा दिया है कि भारत अब वह भारत नहीं रह गया है जो पहले था। लोग अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, जापान इसको दूसरे देश देखते थे। आज उनके बराबर खड़ा होकर के और उनके सामने बैठने की औकात बना लिया है। ये सचमुच में एक बहुत ही अविस्मरणीय दिन है और इसका भारत के वैज्ञानिक और वैश्विक दोनों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। हमारे साथ एक और जनपद के वरिष्ठ पत्रकार और साथ में शिक्षा के पेशे से भी जुड़े रहे और जनपद के प्रतिष्ठित DCSA SKPG कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सोच रखते हैं इस चंद्रयान की लैंडिंग पर। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है, क्या किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? बेशक सन्नू जी, आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन है। इस दिन का हर भारतीयों को बेसब्री से इंतजार रहा। एक शब्द में कहें कि जिस उद्देश्य से श्रीहरिकोटा स्थित इसरो की स्थापना की गई थी, आज वह इसरो के संस्थापक, उनका आत्मा यह देख करके कितनी हर्षित व उल्लासित हो गई होगी कि आज जिस मुकाम को भारत ने पाया है, वाकई में भारत एक नई बुलंदी को छुएगा। आज भारत हिंदुस्तान चांद पर है, आज हिंदुस्तान चांद पर है। ये बहुत ही स्वर्णिम क्षण है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। वाकई में आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि हम भी उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया के विकसित राष्ट्र कर सकते हैं। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में
भारत का ये जो पहला कदम है चांद पर लैंडिंग, यह वाकई मील का पत्थर साबित होगा। और यह पता लगाने में उसका जो आर्बिटेटर है और रोवर जो है उतर करके अपना सुचारू रूप से काम संपादित कर दिया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो आर्बिटेटर जो है यह पहली जो पिक भेजी थी वहाँ से इसरो को कि चांद पर पानी की संभावना है, चांद पर डस्ट है, चांद पर जो वहाँ की पिक भेजी है वह वास्तव में एक अनुसंधान का विषय होगा और वह अनुसंधान भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान, एक नई मुकाम दिलाएगा। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत भारत हर भारतीय उनको धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है कि जिन्होंने इस चंद्रयान 3 मिशन को बड़े शानदार तरीके से, बड़े नायाब तरीके से उसकी सफल लैंडिंग करा करके आज भारत को दुनिया के पटल पर सर ऊंचा कर दिया है। इसलिए उनको पूरी दुनिया के सामने ऊंचा करने के लिए हर एक भारतीय उनको दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है, उनको साधुवाद देता है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि इसी तरह भारत को अन्य क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में हमें नए इन्वेंशन, नए एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है जिससे भारत को पहचान दिलाई जा सके। जिस तरह से भामाशाह ने अध्ययन किया था, जिस तरह से हमारे अन्य वैज्ञानिकों ने खोज करके भारत को दुनिया में पहचान दिलाई थी, एक बार पुनः भारत जो है सशक्त भारत, 21वीं सदी का भारत, मजबूत भारत के रूप में उभर के आया है। इसके लिए वैज्ञानिकों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और इसी बीच हमारे साथ के न्यूज़ के ज़िला संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जी भी हैं। श्रीवास्तव जी और अरुण कुमार मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत जी? बता दें कि जो इन्होंने बातें बताए हैं काफ़ी इन्होंने बात अच्छी बताई है और काफ़ी इनके बातों सहमत है। अगर बात करें चंद्रयान जो 3 आज जो उतरा है, तो जो चंद्रमा है उसकी उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव होता है, तो दक्षिणी ध्रुव में आज तक नहीं था। जो भारत का ये पहला जो है जो दक्षिणी ध्रुव में उतरा, और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है, वहाँ काफ़ी जो अगर देखा जाए तो वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर गड्ढा रहता है, काफ़ी वहाँ बड़े बड़े जो पत्थरे के चट्टानों होती हैं, तो इसलिए वहाँ उतरना काफ़ी कठिनाई था। अब बात करें तो जनता के बीच ये भी लग रहा था कि हमारा चंद्रयान जो 3 कहीं कहीं असफल ना हो जाए, लेकिन जैसे आज चंद्रयान 3 का जैसे जनता के बीच या आम लोगों के बीच ये लगा है कि आज चंद्रयान हमारा जो 3 है आज उतर गया है, तो काफ़ी जनता में भी खुश है। जनता की ओर लग रहा है कि और आम लोग को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा भारत अब आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है जो आज चंद्रयान 3 जो उतरा है, जो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये पूरे देशों विदेशों तक ये जाएगा कि भारत कहीं ना कहीं अब वो भारत नहीं रह गया है, भारत अपना भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए चंद्रयान जो 3 है, तो आने वाला समय में जो चंद्रयान 3 द्वारा जो भी अगर मैसेज मिलता है, जो भी इनपुट मिलता है, कहीं ना कहीं भारत का इसमें नाम होगा। जो भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, क्योंकि मेहनत का ही फल है कि आज चंद्रयान जो 3 है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव उतरा है, और दक्षिणी ध्रुव माना जाए तो उत्तरी ध्रुव से काफ़ी वो खतरनाक जगह होता है। अगर बात करें चंद्रमा में, तो चंद्रमा में 2 भाग में उसको बांटा गया है। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव में तो आसानी से उतारा जा सकता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव जो है उसमें आसानी से नहीं उतारा जा सकता है। अगर वहाँ जाए हो सके वहाँ पर्वत पे अगर कहीं कहीं ना हो गया रहता, लेकिन संजोग भी देखिए जो भारत के वैज्ञानिक का जो मेहनत था आज कहीं ना कहीं यह साबित किया कि हम किसी से कम नहीं हैं, और इसी तरह धीरे से धीरे हम भारत को इसी बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज चंद्रयान जो 3 उतार के कहीं ना कहीं यह साबित किया है कि हम आने वाले समय में भारत को हम उस जगह ले जाएंगे जो भारत पूरा एक तरफ से विश्व गुरु के तरह जाना जाएगा। और देखा जाए कहीं ना कहीं अगर ये हमारे सिस्टम चलता रहा, वैज्ञानिक इसी तरह से अगर मेहनत करते रहें और इसी तरह सरकार या अन्य जो भी लोगों का सहयोग रहा है, कहीं ना कहीं भारत अगर देखा जाए तो भारत वो भारत नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में देखा जाएगा। अगर यहीं देखा जाए चंद्रमा जो 3 आज लैंडिंग होने के बाद, कहीं ना कहीं लेकर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मन में हिचक होती है, लेकिन उनको अब ये चीज़ यहीं से सीख लेना चाहिए कि आप अपना हिचक छोड़े, हमेशा हम पॉजिटिव सोचें, हमेशा हम देखें अगर कोई चीज़ हम कहीं उतर रहे हैं तो उसके पक्ष में रहें। हो सकता वो संजोग होता है कभी काल लोगों का मेहनत असफल हो जाता है, लेकिन असफल हमेशा नहीं होता। एक हम इसी पर एक कहानी आप लोग को बता रहे हैं कि एक बार बादल था तो किसानों से कहा कि किसान इस बार हम पानी नहीं बरसेंगे, तो काफ़ी किसानों ने अपना हल को समेट के रख लिया, लेकिन एक किसान उसमें काम कर रहा था, उसने पूछा कि भाई तुम क्यों खेत जोत रहे हो, हम तो पानी नहीं बरसेंगे। उसने कहा कि तुम मत बरसो,
हमको ये काम करना है कि अपना हम खेती करना नहीं भूलेंगे। अगर हम किसान अपना हल रख दें सभी किसानों की तरह, तो हमें हल चलाना भूल जाएंगे। अब वही देख के बादल को भी लगा कि हम पानी अगर बरसाना भूल जाएंगे तो हम पानी नहीं बरसा पाएंगे। तो बादल ने क्या किया, पानी बरसा दिया। बाकी जो किसान थे वो तो अपना हल रख दिए थे, लेकिन जो किसान मेहनत किया था उसका अच्छा उपज हुआ, वो अच्छा मार्केट किया। तो उसी तरह जो हमारे वैज्ञानिक हैं, काफ़ी मेहनत से अगर देखा जाए देश में, काफ़ी ने कहीं ना कहीं ये सिद्ध किए हैं कि हम चंद्रयान जो 3 है, हम दक्षिणी चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर उतार के सिद्ध कर दिए हैं कि हम चंद्रमा पर किसी भी ध्रुव पर उतार सकते हैं, और जितना भी जटिल कार्य रहेगा उसको करने में हमारे पास बल और असमर्थ है, हम समर्थ हैं उसके लिए। सकारात्मक एकदम सोच होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर देखा जाए हर एक काम के लिए सकारात्मक होना चाहिए, चाहे वो देखा जाए चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो देखा जाए तो वो किसी भी काम में हो, अगर हमारी सोच सकारात्मक रहेगी तो एक दिन हमें कहीं ना कहीं हम उसमें सफल जरूर होंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर एक बड़ा नाम उभर कर 3-4 सालों से चल रहा है विजेंद्र सिंह जी, हमारे साथ वो भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। विजेंद्र सिंह जी, गोसी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं गोसी लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और गोसी लाइव के माध्यम से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे तमाम साथी अरुण मिश्रा जी, सिद्धार्थ मौर्य और वरिष्ठ पत्रकार माननीय ने जो बातें कही हैं, तो मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा चंद्रयान 3 की जो आज सफल लैंडिंग हुई है, उसके अपने वैज्ञानिकों को मैं सबसे पहले श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कम बजट में, जैसे अमेरिका का बजट जो है 1,00,000 करोड़ है, वहीं चाइना का भी बहुत ज़्यादा बजट है, लेकिन भारत का 12,000 करोड़ का बजट है, और 12,000 करोड़ के बजट में जिस तरह से हमारे इसरो के श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जो लैंडिंग किया है, इससे हमारी रक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा, और हमें वहाँ की जो तस्वीरें मिलेंगी, चाँद की जो लेटेस्ट तस्वीरें हमें जो प्राप्त होंगी, उससे पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को उससे लाभ होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, और गोसी लाइव को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चर्चा के अंतिम कड़ी में मैं जनपद के अंतिम छोर आपके अजमतगढ़, वहाँ से शुरू हो जाता है, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और काफ़ी इस तरह के पहलुओं पर वो लिखते पढ़ते सोचते समझते रहे हैं। बड़े भाई राजमणि शर्मा जी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। गोसी लाइव में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ये जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है लगभग 40 दिनों बाद, और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की एक थीम तैयार की थी, उसी थीम पर यह कार्यक्रम हो रहा था और आज सफल हुआ, कैसा महसूस कर? बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और वो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी को नमन करते हुए, जिन वैज्ञानिकों की बदौलत आज चंद्रयान रूपी ये भारत का परचम जो है चंद्रमा पे, चांद पे लहरा रहा है इस वक्त, मैं इस देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि हमारे देश में ऐसी प्रतिभाएं और भी बढ़ें। विश्व पटल पर इसका क्या असर पड़ेगा? विश्व पटल पर भारत का नाम आज एक इतिहास जो है विश्व पटल पर आज जो है उस चंद्रयान रूपी परचम लहराने से आज का दिन जो है विश्व पटल पर भारत के लिए एक गौरवशाली इतिहास के रूप में स्थापित होगा। देखिए, चर्चा के बीच वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, निश्चित ही विश्व पटल पर भारत को एक बड़ा मुकाम मिला है, और सारे लोगों ने, उन जुड़े हुए जितने वैज्ञानिक थे सबको साधुवाद दिया है। गोसी लाइव उन वैज्ञानिकों को सलाम करते हुए
आप सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों का एक बार फिर धन्यवाद देते हुए इस चर्चा को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद।